यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रामपुर जिले के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गेहूं से लदे ट्रक की चोरी का खुलासा किया है और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 10 दिन पहले गेहूं से लदे ट्रक को चार आरोपियों ने लूटा था, जिन्हें पुलिस ने अवैध असले के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल FCI गोदाम के पास गेहूं की 400 बोरियों से लदे ट्रक का ड्राइवर सो रहा था और उसी दौरान चार हथियारबंद बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की और ड्राइवर को सड़क किनारे फेंक कर गेहूं से लदा ट्रक लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गेहूं की बोरियों पर FCI लिखा होने के चलते कोई खरीद नहीं रहा था और पुलिस का दावा है कि आरोपियों में से दो बदमाश मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जबकि एक बरेली और एक उत्तराखंड का रहने वाला है।